अर्रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मियां बीवी का आपस में किसी बात पर झगड़ा होता है। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया तो खावन दरवाजे पर जाता है और देखता है कि दरवाजे पर मेहमान होते हैं। वो बैठक खोलता है और मेहमानों को अंदर बिठा देता है। बिठाने के बाद अपनी बीवी को कहता है कि मेहमान आए हैं, कुछ खाना बना दो। तो वो कहती है, खाना आपके लिए भी नहीं बनेगा, आपके मेहमानों के लिए भी नहीं बनेगा। वो कहता है, लड़ाई तुम्हारी मेरी है, इसमें मेहमान का क्या कसूर, मेहमान के लिए कुछ बनाओ। लेकिन वो इस बात पर नहीं आती, वो मेहमान के लिए खाना नहीं बनाती। वो अंदर चला जाता है, मेहमान के पास बैठ जाता है। फिर वो सोचता है, अब मैं क्या करूं। फिर वो जाता है अपने हमसाये के साथ, उनके साथ उसके अच्छे तलक होते हैं। वो उनको बताता है कि मेरे घर मेहमान आए हैं, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बनाए मेरे बने उनके लिए खाना बना। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, आप जितने चाहे मेहमानों का खाना बनवा लें, हम बना देते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और फिर आकर अपने मेहमान के पास बैठक में बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद मेहमान कहता है, मुझे पानी पिलाओ। वो पानी पिलाने के लिए, वो पानी लाने के लिए अंदर जाता है तो क्या देखता है कि बीवी उसकी जारों कतार रो रही होती है। वो कहता है, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, उसके बावजूद फिर आप क्यों रो रही है। वो कहती है, मुझे माफ कर। वो कहता है, माफी किस बात की, ये मामूली सा झगड़ा है, तो मैंने तो आपको माफ कर दिया। वो कहती है, मैंने भी यही सोचा, मामूली झगड़ा है तो मैं ऐसे क्यों उससे लड़ाई कर रही हूँ। मेहमान है, मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। जब मैं खाना बनाने के लिए आटा निकालने के लिए आटे वाले ड्रम के पास जाती हूँ तो वहां क्या देखती हूँ, एक खूबसूरत बुजुर्ग दाढ़ी वाले जिनका चेहरा बहुत नूरानी था। वो क्या करते हैं कि आटे वाले ड्रम से आटा निकालते हैं। तो मैं उन्हें पूछती हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेहमान आपके घर आए हैं, तो मैंने वो उनका जो रिज्क था वो आपके घर में रख दिया, तो अब आपने खाना नहीं बनाया उनके, अब ये जो आटा है, अब ये जो रिज्क है, ये हमसाये के घर में जाएगा। तो दोस्तों, कोई भूखा आदमी जब उसको हम खाना खिलाते हैं वो कितना खुश होता है। जब वो खुश होगा तो क्या हमारा अल्लाह हम पर राजी नहीं होगा, क्या हमारा अल्लाह खुश नहीं होगा। इंसानों के साथ हमदर्दी और भलाई, यही इंसानियत है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ताजर और अमीर लोग कैसे बड़े बन जाते हैं। वो इसलिए बड़े बन जाते हैं कि जो वो कमाते हैं उसमें अपने अल्लाह का हिस्सा जरूर रखते हैं, जो गरीबों को और मोहताजों को देते हैं, तो जब वो उनको मिलता है तो मेरा अल्लाह बहुत राजी उन पर होता है और बहुत खुश होता है। फिर उनके रिज़्क को, उनकी इज्जत को इतना वसी कर देता है कि आप ही उनकी तारीफें करते हैं, फला आदमी बहुत बड़ा है। दोस्तों, नेहाल इस जहां में जितने बड़े हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर चढ़े हैं। आपने जितना अल्लाह के बंदों को और इंसानियत को खुश करना है, जितनी आप खुशियां बांटेंगे आपको खुशियां मिलेंगी, जितना आप रिस्क बांटेंगे आपको रिस्क मिलेगा। वस्सलाम।